आयोजन किया गया। यहियागंज के कटरा मैदान में नाइट क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, यानी डे नाइट दुधिया रोशनी में क्रिकेट टूर्नामेंट होगा। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक कानून मंत्री हैं ब्रजेश पाठक ने, देखिए क्रिकेट खेलते नजर भी आ रहे हैं ब्रजेश पाठक। राजधानी लखनऊ की 70 टीमें इस मैच में हिस्सा ले रही हैं। एक माह तक स्वर्गीय कमला पाठक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाएगा। खिलाड़ियों के खिलाड़ी बने हैं कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, यानी खेल भी रहे हैं मंत्री ब्रजेश पाठक ने। उद्घाटन के बाद क्रिकेट मैच खेला भी है, टॉस भी उन्होंने कराया है। एक तरफ टॉस इंग्लैंड में हो रहा है वर्ल्ड कप के जरिए, और दूसरी तरफ यहां पर ब्रजेश पाठक ने एक टूर्नामेंट का आयोजन करा है, वो खुद मुख्य अतिथि थे इस कार्यक्रम में। अच्छा अच्छा राहुल, मैं मुझे ये जो टूर्नामेंट देखने के बाद एक कुछ बड़ी सी मजेदार सी बात याद आई, मैंने सोचा मैं आपसे जरा एक जिक्र करूं उसके बारे में। जब नेता या मंत्री क्रिकेट खेलते हैं या कुछ भी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, प्रसाद लेने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर आम काम करते हैं, तो क्या मतलब जो उनके आसपास के लोग होते हैं, उनके सहायक होते हैं, उनके मित्रगण होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, मतलब वो अगर आउट भी हो जाते हैं नेताजी मंत्री जी तो बॉल लेकर आ जाते हैं, कहते नहीं मंत्री जी ने नहीं, नहीं, ब्रजेश पाठक क्रिकेट अच्छा खेलते हैं प्रज्ञा। अच्छा आप यकीन मानिए वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, ये सिर्फ उन्होंने हाथ नहीं मारा है, वो वाकई क्रिकेट अच्छा खेलते हैं और कमाल की क्रिकेट खेलते हैं। आप उनकी बात सुन लेते हैं। स्वर्गीय कमला पाठक रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन आज लखनऊ के सभी क्रिकेट प्रेमियों द्वारा किया गया, उसमें यहां पर लगभग 70 टीमें हिस्सा लेंगी। लगातार एक माह तक इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होगा और एक माह के पश्चात फाइनल होगा और उसमें पुरस्कार वितरण भी उसी दिन किया जाएगा। मतलब आज ब्रजेश